किसान भाइयों, कृषि विभाग के अधिकारीगण और हमारे भाई बंधु, माताओं और बंधु, आज कृषि विभाग के द्वारा संचारी रोग के विषय में कि संचारी रोग कैसे फैलता है, इसकी रोकथाम क्या है, माननीय मार्कंडेय तिवारी द्वारा आपको बताया गया है। देखिए, आजकल नई नई बीमारियां चलना शुरू हो गया है, जापानी बुखार, संक्रामक रोग, प्लेग आदि होते हैं। इन बीमारियों को लाने में कहीं न कहीं जीव जंतु भी बहुत बड़ा कारक होते हैं, जैसे चूहा हुआ, छछूंदर हुआ, सांप हुआ, चमगादड़ हुआ, इस तरह की बीमारियों को लाने के लिए लोग सहायक होते हैं। इस बीमारी के कार्यवाहक होते लोग इस बीमारी को लेकर आते हैं, इनको रोकथाम के लिए तिवारी जी ने बताया, उन्होंने अच्छी तरह सुना है। मैं भी बता रहा हूँ कि इस रोग को बचने के लिए आप जो भी वस्तु खाते हैं साफ सुथरा धोकर खाइए, साफ सुथरा रहने की बात करिए, जो भी होता है घर में खाना वगैरह बनता है तो हाइजीनिक बहुत जरूरी है। हाइजीनिक आप करेंगे तो आपका भोजन बेस्ट बढ़िया होगा, तो रोग नहीं पकड़ेगा। नई नई बीमारियां भी आपका नई बीमारियां या मुर्गा खाने से कई बीमारियां हो रही है, तो उस बीमारी से भी आप बचें, मुर्गा वगैरह मत खाया करें ताकि ये बीमारी से बचा जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।